हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बेल बनाना सीखेंगे आज की क्लास में। तो आपने देखा होगा कि जैसे कि एक लाइन बनती है बीच में और एक डिज़ाइन को दूसरे से जोड़ा जाता है, तो उसके लिए हम बेल बनाते हैं। तो ये बेल बनानी बहुत ही ज़्यादा आसान होती हैं और बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो आपने देखा ही होगा कि ज्वेलरी मेहंदी डिज़ाइन में जो बेल बनती हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो जो पहली बेल हम बना रहे हैं उसमें जो डॉट हैं वो बिल्कुल बराबर बराबर हमने बनानी है, और आप देख ही सकते हैं बिल्कुल पास पास बनाई है हमने, तो बहुत अच्छे लगती हैं ज्वेलरी मेहंदी में। और जो दूसरी बेल हम बनाएंगे वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हमने बनानी है। तो देखिए, दो दो डॉट्स बना रही हूँ थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं ये। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि खाली डॉट्स से ही बहुत सारी बेल के डिज़ाइन अलग अलग बन जाएंगे और बहुत अच्छे लगते हैं। जो देखिए, यहाँ तो मैंने दो दो डॉट्स डाली थी और यहाँ पे मैं इस तरीके से तीन तीन डॉट्स बना रही हूँ, और थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बीच में मैंने दिया है। तो वीडियो को मैंने फ्रेंड्स थोड़ा फास्ट किया हुआ है, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है हमारी वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, इस बेल को ही आप देखिए, तो मैंने एक डॉट ऊपर बनाई है और फिर उसके बाद मैंने चार डॉट्स बनाई हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने डिस्टेंस दिया है बीच में और फिर एक डॉट बना दिए। तो ये भी डिज़ाइन कितना खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको अब तक जितनी भी बेल बताई हैं ये डॉट्स वाली ज्वेलरी मेहंदी डिज़ाइन के लिए हैं। तो जैसा भी आपका डिज़ाइन मेहंदी का है, हैवी है या थोड़ा सा हल्का है, वो आप डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अपनी बेल बनाइएगा, और जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप बना लीजिएगा बेल। तो ये तो फ्रेंड्स थे कुछ बेसिक डिज़ाइन हमारे बेल के। अब मैं आपको जो नेक्स्ट डिज़ाइन बता रही हूँ वो काफ़ी पुराना डिज़ाइन है और इस तरीके से लोग लगाते आ रहे हैं, और आप चाहें तो इन डिज़ाइंस को जो मैंने बेल के आपको बताए हैं आप अपने हाथ की उंगलियों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे हार्ट शेप में हमें बनाना है, ये देखिए इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से हमारी ये लाइन हमने बनाई है, ड्रॉ की है, उस तरीके से ही हमें इन हार्ट्स को बनाते जाना है, और डिस्टेंस को कवर करते हुए हमें बनाना है, इक्वल डिस्टेंस पर बनाना है। तो बहुत ही अच्छी लगती हैं ये बेल, इनकी भी प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम जो अगली बेल बना रहे हैं उसमें हम थोड़ी सी पत्तियां बनाएंगे इस तरीके से, और इसमें भी हमें डिस्टेंस का ख़ास ख्याल रखना है। तो ये भी बहुत अच्छी लगती हैं फ्रेंड्स, इस तरीके की बेल। तो फ्रेंड्स, आप इस बेल को डायरेक्ट भी हाथ में बैक साइड में लगा सकते हैं, और इस खाली बेल को सिंपल सी हाथ पर जो लगाएंगे बहुत अच्छी लगेगी। ऐसे भी इस डिज़ाइन को आप अपने हाथों पर लगा सकते हैं, और अब हम इसे थोड़ा सा फिल कर देंगे, और इस तरीके से आप बीच में एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए अब नेक्स्ट बेल बनाते हैं। अब ये बेल जो मैं आपको बनाना बता रही हूँ तो ये भी बहुत आसान है फ्रेंड्स। इस तरीके से यहाँ हम पत्तियाँ बनाएंगे। तो अब ये बेल जो मैं आपको बनाना बता रही हूँ ये बहुत सिंपल सी बेल है, और मोस्टली अरेबिक मेहंदी में इसका यूज़ होता है, और बहुत ही खूबसूरत लगती है ये बेल भी। तो ये देखिए, इस तरीके से पहले हमें यहाँ इस बेल को बनाना है, और अब मैं आपको इसको फिल करने का तरीका बताऊंगी। आप कई तरह से इसे फिल कर सकते हैं, जैसे बीच में एक डॉट डाल दी या पूरा फिल कर दिया, या थोड़ा सा ऊपर से फिल कर दिया, या बीच में से हल्की सी एक लाइन ड्रॉ कर दी है। तो अब हम नेक्स्ट बेल बताते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, ये जो डिज़ाइन बनाना मैं आपको बता रही हूँ आज बेल का, ये बहुत आसान सा है, और बच्चों के हाथों पर स्पेशली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ज़्यादा देर तक मेहंदी को हाथ पर लगे नहीं रहने देना चाहते हैं। तो उसके लिए बहुत आसान सा हल्का सा डिज़ाइन है। तो यहाँ मैंने एक डॉट से फ्लावर बना लिया है, और फिर इक्वल डिस्टेंस पर हम हार्ट शेप बनाएंगे। तो जो हम दूसरी बेल बना रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर हम बीच में एक डॉट से फ्लावर बना देंगे, और उसके बाद यहाँ अंदर से की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको हल्का सा कर्व दे देंगे। तो बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स इस तरह की बेल भी, और इनको आप फिंगर्स पर भी बना सकते हैं, ये फिंगर्स पर भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये देखिए, और इसी तरीके से ऊपर से भी हमने कर्व में लाइन ड्रॉ कर दी है, और इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे, बीच में एक हल्का सा डॉट रखेंगे और इस तरीके से एक फ्लावर डॉट से बना देंगे, और इसी तरीके से डिज़ाइन बनाते जाएंगे। तो
तो इस तरह के जो डिज़ाइन होते हैं इस तरह के, उनको आप अपनी फिंगर्स पर भी बना सकते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए अब अपनी नेक्स्ट बेल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत आसान से डिज़ाइन आपको बेल के बनाना बता रही हूँ, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप इन्हें हाथ पर लगा सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। देखिए इसी तरीके से मैंने यहाँ भी एक बेल बना दी है। तो अब हम ये दूसरी तरह की बेल बनाएंगे। तो यहाँ मैंने डबल लाइंस जो हैं वो ड्रॉ की हैं और उसके बाद इस तरीके से हम कर्व देते हुए इसको बनाएंगे ऐसे, और यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पर हम छोटी छोटी सी डॉट्स बना देंगे। तो ऐसे डिज़ाइन जो होते हैं वो अरेबिक मेहंदी में बहुत चलते हैं। तो ये देखिए इसी तरह से डबल लाइंस हमने यहाँ भी ड्रॉ कर दी हैं और यहाँ इस तरीके से बनाएंगे इस डिज़ाइन को हम। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे बेल के जो डिज़ाइन हैं मैंने आपको आज बताए हैं, और भी डिज़ाइंस मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती, इसीलिए इतने ही डिज़ाइन मैं आपको आज बता पा रही हूँ। तो अगर आप और डिज़ाइन सीखना चाहते हैं इस बेल के तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, तो इंशाल्लाह मैं इसका नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। तो अभी लास्ट बेल मैं आपको बनाना बता रही हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से डबल लाइन ड्रॉ कर दी है और अब इस तरीके से पत्तियाँ मैं यहाँ पर बनाऊँगी। और अब इन पत्तियों में हम पूरी पत्तियों को फिल कर देंगे और फिर इसके बीच में हल्का सा शेड्स देंगे। तो ये भी बहुत खूबसूरत बेल लगती है, आप इसे अपने डिज़ाइन में मेहंदी के बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये देखिए इस तरह से पत्तियां तो मैंने ड्रॉ कर दी हैं, अब इन सब पत्तियों को हम फिल करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो इस तरीके से लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं बीच में पत्ती के, और अगर आप फिल करना चाहते हैं तो इनको फिल भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है कि आप इन्हें जैसा रखना चाहते हैं, आपको जैसी पसंद है आप इन्हें वैसा रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इन्हें कुछ कुछ पत्तियाँ जो हैं उनको फिल कर रही हूँ और कुछ के बीच में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, और अब हम इनके बीच में हल्की सी शेड्स करेंगे। ये देखिए किसी किसी पत्ती को मैंने फिल कर दिया है पूरा और किसी के बीच में लाइन दे दी है। तो अब हम यहाँ पर शेडिंग करेंगे, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत खूबसूरत लगती है इस तरह की बेल भी, और ये भी आप बना सकते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी सारी बेल बनकर तैयार हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये सब बनाने आ जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।